हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQ टाइप क्वेश्चन BLED फर्स्ट ईयर के लिए। BLED फर्स्ट ईयर का जो लास्ट पेपर है मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस, उसका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है और सेकंड यूनिट का नंबर सिस्टम और रेशियो, यानी कि नंबर सिस्टम यानी कि हो जाएगा संख्या पद्धति और रेशियो मतलब हो जाएगा अनुपात, ये दोनों टॉपिक खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद आता है प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। अगर रेशियो का चिन्ह ऐसे होता है 2.2 पर नीचे तो प्रोपोर्शन में 2 पॉइंट और 2 पॉइंट यानी 4 पॉइंट होता है। तो गाइज ये जो है ये किसका प्रतीक है या किसका सिंबल है, प्रोपोर्शन का। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दो अनुपातों की तुलना करना कहलाता है, मतलब जैसे कि 2:3 और फिर समानुपातें 3:2 ये है, तो यानी 1:1 दो अनुपातों की तुलना अगर हम कर रहे हैं तो इसी को कहते हैं समानुपात। तो इसको क्या कहेंगे, समानुपात। फिर नेक्स्ट है गाइज, इसमें देखते हैं ए रेशियो बी और प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, समानुपात के पदों में संबंध है। तो चलिए गाइज देख लेते हैं। तो जैसे ए है इसमें ए और डी, ये और बी और सी, ए को कहेंगे प्रथम पद, ए को क्या कहेंगे, ए को कहेंगे प्रथम पद, या इसको हम बोल सकते हैं ये प्रथमानुपाती, इंग्लिश में फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। और फिर उसके बाद बी आता है यहाँ, ये सेकेंड स्थान पे लिखा गया है, इसकी प्लेस वैल्यू सेकेंड है, तो ये जो है बी द्वितीय पद हो जाएगा। कौन सा पद, द्वितीय पद हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, द्विसमानुपाती, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद तीन सी आता है, सी को बोलेंगे तृतीय समानुपाती। कौन सा समानुपाती, तृतीय समानुपाती या तृतीय पद, इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद डी आता है, डी को क्या बोलेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल, और फिर यानी कि चतुर्थानुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थ पद। तो इस तरीके से ए बी सी डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, प्रथम पद सेकेंड पद थर्ड पद फोर्थ पद, इस तरीके से इसको बोलते हैं। तो गाइज इसका जो संबंध होता है बी का सी के साथ होता है और ए का डी के साथ होता है, यानी प्रथम पद एक प्रथम पद मल्टीप्लाई लास्ट वाला यानी चतुर्थ पद, प्रथम और फिर उसके बाद फोर्थ इज इक्वल टू होगा सेकेंड फर्स्ट मल्टीप्लाई फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड मल्टीप्लाई थर्ड, तो ये इसका रेशियो होता है। तो यहाँ अगर हम देख सकते हैं ए और मल्टीप्लाई इसका करेंगे डी के साथ और बी का सी के साथ करेंगे, बी का किसके साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे। फिर गाइज जो बी और सी है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्यानुपाती। क्या बोलते हैं बी और सी को, मध्यानुपाती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेजरेबल। क्या कहते हैं, मेजरेबल, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ए बी जो है ये प्रथम पद और चतुर्थ पद है, और सी डी को, सी और डी का दूसरा नाम होता है ए का डी के साथ हो जाएगा। गाइज यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, ए का डी के साथ होगा, यानी प्रथम का चतुर्थ के साथ और द्वितीय का तृतीय के साथ। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और इसका दूसरा नाम होता है मध्यानुपाती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेजरेबल। तो गाइज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ए डी इज इक्वल टू बी सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं समानुपात में 6:5 तथा 12 का चतुर्थानुपाती होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो गाइज इसमें 6:5 फिर प्रोपोर्शनल लगा है, फिर उसके बाद 12 लिखा गया है, फिर रेशियो, फिर यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसको हम चरपद एक मान लेते हैं यक्स। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यानी 6x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 12। अब 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12 अपान 6, 6 से 12 कट जाएगा ट्वाइस यानी 2 बार जाएगा, 5 × 2 = 10, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 10। तो गाइस सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है
किसी वित्त अनुपात यानी फाइनेंस रेशियो में प्रथम व मध्यानुपाती इतना दिया गया है, तो तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। गाइस जो वित्तानुपात होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइनेंस रेशियो कहते हैं। इसको देख लेते हैं। यदि तीन राशियां इस प्रकार हो कि पहली व दूसरी का अनुपात दूसरी व तीसरी के अनुपात के समान हो, क्या कहा गया है कि तीन राशियां इस प्रकार हों कि पहली व दूसरी का अनुपात दूसरी व तीसरी के अनुपात के समान होता है। तो गाइस तीन राशियां होंगी, हम देख सकते हैं यहाँ ए बी और सी, ये तीन राशियां हैं। तो इसमें कहा गया है कि तीन राशियां इस प्रकार हो कि पहली व दूसरी का अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात, पहली ये हो गया दूसरी ये हो गया, यानी ए रेशियो बी। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए रेशियो बी, यानी ए बटे बी या ए अपान बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपान सी, यानी पहली व दूसरी राशि का अनुपात दूसरी व तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, तो पहली और दूसरी का अनुपात दूसरी और तीसरी के अनुपात के बराबर हो, यानी ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, इस तरीके से। और इसको हम लिख सकते हैं ए अपान बी इज इक्वल टू बी अपान सी। तो यहाँ से अगर हम त्रिक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। वित्तानुपात का मतलब हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तीन राशियां हों तो एक और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं, इसमें फाइनेंस रेशियो में प्रथम व मध्यानुपाती दिया गया है। प्रथम दिया गया है 16 और मध्यानुपाती दिया गया है 20। मध्यानुपाती यानी यही दोनों मान, तो इसको ही तो कहते हैं मेजरेबल, यानी जो अंदर का पद दोनों होता है द्वितीय और तृतीय, इसको मध्यानुपाती या मेजरेबल बोलते हैं। तो इसका मान दिया गया है 20, तो ये दोनों 20 होगा। और प्रथम पद दिया गया है कितना 16, तो पूछा है तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी इसके बाद जो है उसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं यक्स है, कितना है यक्स है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 16 यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20। फिर यहाँ हम यक्स का मान निकाल लेंगे 20 मल्टीप्लाई 20 अपान 16, ये चार से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 4 पंचे 20, यानी 5 मल्टीप्लाई 5, यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, जिसका मान आएगा 25। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये पहला वाला। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। दो राशियां इस प्रकार हों कि एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े और एक के घटने पर दूसरी भी घटे, यानी एक जब बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े, या एक जब घट रही हो तो दूसरी भी घटे। तो इस तरीके की राशियों को क्या कहेंगे, अनुलोम समानुपात, क्या कहेंगे अनुलोम समानुपात, अनुलोम प्रोपोर्शन। और इसका अपोजिट जो होता है, यानी एक राशि घटे तो दूसरी बढ़े, एक अगर घटे तो दूसरी बढ़े, और दूसरी अगर बढ़े तो पहली घटे, अपोजिट होता है। तो अपोजिट यानी प्रतिलोम, इन्वर्स होता है, तो इसको कहेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन, क्या कहेंगे इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन। और पहली है, इसमें कहा गया है कि एक बढ़े तो दूसरी बढ़े और एक घटे तो दूसरी घटे, तो ये जो है ये अनुलोम समानुपात, अनुलोम प्रोपोर्शन है। और इसका अपोजिट यानी एक घटे तो दूसरा बढ़ेगा और दूसरा बढ़े तो पहला घटेगा, तो ये जो है ये है इन्वर्स समानुपात या इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट है, इसमें इससे बेसिस क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं या क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, है कि बस में यात्रा करने पर 100 किलोमीटर की दूरी का किराया 40 रुपया है, तो 160 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कितना किराया देना पड़ेगा। तो गाइस जैसे कि 100 किलोमीटर की दूरी हम यहाँ एक बार लिख लेंगे, एक साइड लिख लेंगे हम दूरी यानी डिस्टेंस,
और नेक्स्ट साइड इसके लिख लेंगे किराया यानी चार्जेस कितना लग रहा है। तो इसमें बोला है कि 100 किलोमीटर की दूरी का किराया कितना है, 40 रुपया। 100 किलोमीटर दूरी का किराया कितना है, 40, किराया के नीचे किराया और दूरी के नीचे दूरी। 100 किलोमीटर का जो किराया है वो 40 है। और फिर उसके बाद पूछा है कि 160 किलोमीटर का किराया कितना होगा, तो इसको हम यक्स मान लेंगे। ये अगर बढ़ा है तो ये बढ़ेगा, क्योंकि हम दूरी अगर ज़्यादा चलेंगे तो ज़्यादा किराया लगेगा, कम दूरी चलेंगे तो कम किराया लगेगा। तो इस तरीके से ये जो है ये है अनुलोम प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन है, अनुलोम प्रोपोर्शन। फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि ये एरो जहाँ से इसका ये इसका जो शीर्ष है और ये इसका ये पुच्छ हम बोल सकते हैं, टेल है ये, यानी ऐसे स्टार्ट हुआ है ये। तो अगर ऐसे है तो इसकी हम टेल की तरफ से लिखेंगे, यानी 100 मल्टीप्लिकेशन लगाएं, या पहले हम रेशियो में अगर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 100:160। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू चाल, इसका एरो, इसका जो जो ये एरो है इसका जो टेल है 40 की तरफ से है, तो 40:x। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि यक्स का मान निकालना है, तो हम फिर क्या कर सकते हैं, या हम चाहे बराबर लिखें चाहे इसका हम समानुपात का चिन्ह भी लगा सकते हैं, समानुपात को हम इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं, और लिखा भी जाता है क्योंकि इसका अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 100 का मल्टीप्लाई यक्स के साथ होगा और ये जो मेजरेबल यानी मध्यानुपाती है इसका एक साथ होगा। तो यहाँ से अगर हम यक्स का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 160 मल्टीप्लिकेशन 40। तो गाइज यहाँ पर आप 0 से 0 से ये 00 काट सकते हैं, फिर यक्स का मान कितना आ जाएगा, 16×64 यानी 64। तो गाइज इसका आंसर सही हो जाएगा 64, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। फिर गाइज नेक्स्ट है, विद्यालय के मैदान को समतल कराने के लिए 6 मजदूरों को 18 दिन का समय लग जाता है। अगर 6 मजदूर हैं तो 18 दिन का समय लग जाता है, यदि और मजदूरों की संख्या बढ़ाकर, मतलब मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 32 कर दी जाए तो कितने समय में मैदान समतल होगा। तो जैसे कि अगर 6 मजदूर लगाए गए हैं, कम संख्या लगाई गई है तो ज़्यादा दिन में ख़त्म हो रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या लगा देंगे हम तो वो कम दिन में ख़त्म होगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन होगा, यहाँ पर होगा इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि प्रतिलोम समानुपात। चलिए गाइज तो इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइज एक साइड हम लिखेंगे मजदूर, या ऐसे भी लिख सकते हैं मजदूर की संख्या, हम लेकिन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं मजदूर मजदूर, और एक साइड लिख दे रहे हैं दिनों की संख्या यानी कि दिन। अब अगर 6 मजदूर हैं तो काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा है, 18 दिन में, और अगर 32 मजदूर लगा दिए जाएँ तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, मान लेते हैं चरपत कोई यक्स मान लिए। अब ये अगर एरो ऐसा है तो ये इसका अपोजिट होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मजदूर हैं तो वो कम दिन में ख़त्म करेंगे ना, एक ज़्यादा तो दूसरा कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, इनवर्स प्रोपोर्शन, क्या हो जाएगा यहाँ, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ इसकी टेल जो है 6 के साइड से है, तो पहले हम 6 लिखेंगे, फिर रेशियो 32, फिर उसके बाद चाहे प्रोपोर्शन लिखें चाहे इज इक्वल टू लिखें, दोनों एक ही बात हुई। फिर उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे यक्स, कहें कि इसका जो टेल है ये यक्स के साइड से है, तो यक्स लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद लिखेंगे 18। अब इसको मध्यानुपाती यानी मेजरेबल को एक साथ, और बाकी प्रथम पद और फोर्थ पद जो चतुर्थ पद है उसको एक साथ, यानी कि हम लिख सकते हैं 32x इज इक्वल टू 6×18। फिर गाइस उसके बाद हो जाएगा, अब यहाँ हम चाहे इसको लिख सकते थे 6×18 इज इक्वल टू 32x, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं फिर इसको हम, यहाँ 32 और यक्स इज इक्वल टू हो गया है 6×18, फिर उसके बाद एक काट देंगे इसको हम, यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6×18 अपान 32, कितना हो जाएगा अपान में 32 हो जाएगा। फिर यहाँ ये 3 से कट जाएगा, 2 3 6, फिर 2 1 2, 2 6 12, 16
16 आ जाएगा, फिर यहाँ 18 है। तो गाइस इसमें हम फिर से लिख लेते हैं x इज इक्वल टू क्या आ गया है 18 मल्टीप्लिकेशन 6 और अपन 32 है, यानी इसको हम 2 से काट सकते हैं। तो 2 के 2, 2 छंग 12 यानी 16 से कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 2 9 18 हो जाएगा, ये 2 8 16 हो जाएगा, यानी आएगा 9 3 27 27/8। आपको ऐसा नहीं देख कर चलना है कि ये जो इसका फ्रैक्शन फॉर्म में ये नहीं आ सकता, ऐसा भी आ सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। अगर यहाँ जैसे कि 18 यहाँ लिखा गया था और यहाँ अगर 36 होता तो आराम से कट जाता, 18 2 9 36 फिर 2 3 6 तो 3 दिन आ जाता। लेकिन अगर आपका 27/8 है ये, तो ये आपका ये सही हो जाएगा 27/8। तो गाइज आपका ऑप्शन हो जाएगा 27/8। तो गाइज यहाँ ऑप्शन में हम नहीं लिख पाए हैं क्योंकि हम यहाँ 36 करके थोड़ा सॉल्व कर दिए थे, तो यहाँ 3 आ रहा था। लेकिन गाइज अगर आप ऐसा सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ 32 है, तो आपका आंसर क्या आया है 27/8। यानी संख्या चेंज हो सकते हैं लेकिन रूल तो वही होगा। तो इसका आपका x का मान कितना आएगा 27/8। तो इस तरीके से आपका ये मान आ जाएगा। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का था और इसके पहले था अनुलोम प्रोपोर्शन का। तो मुझे गाइज आशा है, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन बेहद पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।